हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि यार हमने ये जेमस्टोन्स तो खरीद लिए, लेकिन यार इनका रिजल्ट पक्का कोई होता है कि नहीं? क्या इनके कोई बेनिफिट्स है, क्या इनके कोई एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है? क्या ये फॉर एग्जांपल मैंने एक पुखराज खरीदा, क्या पुखराज का असर करता है? क्या है इसका सबूत कि इसका असर करेगा? हमने तो पहन लिया, हमें एक पंडित जी ने बोला कि ये पुखराज पहन लो और हमने पहन लिया, लेकिन क्या इसका कुछ फ़ायदा होने वाला है? आज हमने तो यार ये पुखराज को 6 महीने से पहना हुआ है, या ये एमरेल्ड को 6 महीने से पहना हुआ है, या ये मूंगे को 6 महीने से पहना हुआ है, लेकिन ये इसका कोई असर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। रुक जाइए फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के साथ में एक चीज़ को शेयर करना है। आप कभी भी कोई चीज़ लेते हैं, ये मत सोचिए इसके फ़ायदे क्या है, ये सोचिए कि शायद आपको किसी ने कोई जेमस्टोन पहनने को बोला होगा आपका नुकसान को अवॉइड करने के लिए। हर आदमी सिर्फ यही सोचता है कि यार हमारा फ़ायदा तो नहीं हुआ ये पहनकर, लेकिन आपका कोई नुकसान भी तो नहीं हुआ। ये भी तो सोचिए कि आपकी शायद दशा जो चल रही है उस समय पर, वो पंडित जी ने आपको इसके लिए बोला होगा ताकि आपका कोई नुकसान नहीं हो। बोलते हैं ना, अगर आपका नुकसान बच गया तो उसे फ़ायदा ही बोलते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग को फ्रेंड्स, ज़रूर बताइए। आप लोग के व्यूज़ को शेयर करिए। पंडित जी या कोई एस्ट्रोलॉजर को ब्लेम मत करिए। ये सोचिए कि यार हमारा फ़ायदा तो खाली सिर्फ इसमें भी है कि हमारा बुरा तो कुछ नहीं हुआ, ये भी एक फ़ायदा है। यस फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।